students, today we will discuss the next topic in surgical dressings, evaluation test. हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा स्टैंडर्ड्स फॉर जो ऑब्जॉर्बेंट वूल है उसके हम लोग आईपी के अकॉर्डिंग जो evaluation test है वो डिस्कस कर रहे थे. हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारे टेस्ट थे वो डिस्कस किए थे. फर्स्ट वन था आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड था हमारे पास एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी, एंड थर्ड था हमारा टेस्ट स्टैंडर्ड सरफेस एक्टिव सब्सटेंस. एंड अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे हमारा फोर्थ जो टेस्ट है वो है फ्लोरोसेंस. कॉटन वूल के लिए वो है फ्लोरोसेंस. अब फ्लोरोसेंस में हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग एग्जामिन करेंगे लेयर. इसमें हम लोग जो 5 mm की थिक लेयर ले लेंगे जिसको हम लोग यूवी रेज के अंदर 365 जो है हमारी यूवी रेज है उनकी हम लोग उस यूवी रेज के अंदर हम लोग उनको एग्जामिन करेंगे. अगर हमारे पास जो फाइबर्स है फाइबर्स का कलर हमारे पास जो वायलेट कलर का होगा और उसमें जो सम हमारे फाइबर्स है उनका कलर ब्लूइश होगा. अब हमारे पास जो ये कलर है इसमें जो वॉयलेट कलर के फ्लोरोसेंस अपेयर होगी जब हम लोग इनको यूवी रेज के अंडर चेक करेंगे. और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका येलो कलर होगा, येलो कलर के जो हमारे पास पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे. कुछ हमारे जो फाइबर्स हैं उनमें हमारे ब्लूइश कलर के जो फाइबर्स हैं पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इसमें जो येलो कलर के पार्टिकल्स होंगे जिसमें और जो पिंक जो हमारे वायलेट कलर की फ्लोरोसेंस होगी वो हमारे क्या होंगे एब्सॉर्बेंट वूल. नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है लॉस ऑन ड्राइंग. जो लॉस ऑन ड्राइंग मेथड में हम लोग जैसे आईपी के अकॉर्डिंग हम लोग जब टेस्ट करते हैं एज अकॉर्डिंग टू आईपी द लिमिट इज नॉट मोर देन 8% ऑफ 105 डिग्री सेंटीग्रेड इन ओवन. जब हम लोग इसका टेस्ट करेंगे लॉस ऑफ ड्राइंग उसमें हम लोग आईपी के अकॉर्डिंग जो 8% से ज़्यादा हमारे जो है इसमें लिमिट नहीं होनी चाहिए. इसको हम लोग टेस्ट को परफॉर्म कैसे करेंगे हमारे जो इसके लिए अलग से मेथड दिए हुए हैं हमारे आईपी में जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये टेस्ट लॉस ऑफ ड्राइंग है जो वो परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट हमारा जो है वो है सॉल्युबिलिटी. अब सॉल्युबिलिटी में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि हम लोग सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करेंगे. जो सॉल्युबिलिटी है वो नॉट मोर देन 0.5% बाय दिस मेथड. इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग अगर टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अब हमने क्या किया, हमने एक्सट्रैक्ट लिया 5 ग्राम एक्सट्रैक्ट लिया एंड विद सॉल्वेंट ईथर. ये हमारा है सॉल्युबिलिटी ईथर सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी with solvent ether.
कि हम लोग जो है 5 ग्राम एक्सट्रैक्ट ले लिया, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या हम लोग यूज करें, इथर। अब इसको हमने कंटिन्यू जो है अपरेटस पे, जो कंटिन्यू जो अपरेटस पे हमने इसकी एक्सट्रैक्शन करवानी है, वो अपरेटस हमारा क्या होगा, सॉक्सलेट अपरेटस। सॉक्सलेट अपरेटस में हमने 5 ग्राम एक्सट्रैक्ट प्लस सॉल्वेंट जो है वो बीकर में डाल देंगे, उसकी हम लोग सॉक्सलेट अपरेटस के थ्रू हम लोग उसको एक्सट्रैक्शन करेंगे। ये एक्सट्रैक्शन हमारी कितने टाइम तक चलेगी, 4 आवर्स, 4 आवर्स तक ये एक्सट्रैक्शन हमारी चलेगी। देन जब एक्सट्रैक्शन हो जाएगी 4 आवर के बाद, हम क्या करेंगे, हम अपना इसमें से जो इवेपोरेट करवा देंगे, इवेपोरेट द ईथर, इसमें से हम लोग ईथर है जो उसको इवेपोरेट करवा देंगे। जब ईथर इवेपोरेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या बचेगा, एक ड्राई रेसिड्यू। जब हम लोगों ने जो सॉल्वेंट है उसमें एक्सट्रैक्ट लिया था, उसमें 5 ग्राम उसमें हमने सॉल्वेंट ईथर ऐड किया, फिर हमने उसको कंटिन्यू अपरेटस में, कंटिन्यू अपरेटस हमारा कौन सा है, सॉक्सलेट अपरेटस, जिसमें हम लोगों ने इसकी एक्सट्रैक्शन की, 4 आवर्स तक ये हमारी प्रोसेस चलती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें ईथर है उसको इवेपोरेट करवा देंगे। जब हम ईथर को इवेपोरेट करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है लास्ट में, ड्राई रेसिड्यू, वो हमारा क्या होगा, अब्सॉर्बेंट कॉटन वूल। उससे हमें पता चलेगा कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ईथर में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है, 7th मेथड है, वैलिडेशन टेस्ट है, वो है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। इसमें भी नॉट मोर देन 0.5 हमारे जो कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन द 0.5 कंसंट्रेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने बॉयल करेंगे 5 ग्राम, हम लोग इसमें क्या है बॉयलिंग करेंगे सब्सटेंस को, वो कितने ml वाटर में हम लोग लेंगे, 500 ml बॉइल 5 ग्राम सब्सटेंस प्लस एड हम लोग इसमें क्या करेंगे, 500 ml वाटर, कि 500 ml हमने वाटर ले लिया, उसको बॉइल किसके साथ करेंगे हम लोग, 5 ग्राम हमारा जो सब्सटेंस है, इन दोनों को जब हम लोग बॉइल करेंगे, बॉइल कितने टाइम के लिए करेंगे, 30 मिनट के लिए हम लोग बॉइल करेंगे। बॉइल करने का जिसमें हम लोग कंटिन्यू स्टीरिंग करते रहेंगे, अगर हम लोग स्टीरिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो नीचे रह जाएगा और प्रॉपरली वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसमें कंटिन्यू स्टीरिंग करते रहेंगे। जब हम लोग स्टीरिंग कर लेंगे, हमारा 30 मिनट का टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो वाटर है उसको इवेपोरेट करवाएंगे, इवेपोरेट वाटर लिक्विड इन ए बीकर, हम लोगों ने क्या है लिक्विड, जो लिक्विड है वो बीकर में डाल लेंगे, एंड इवेपोरेट द लिक्विड, हमने सब्सटेंस लिया वाटर में ऐड किया, उसको 30 मिनट के लिए बॉइल किया, बॉइल करने के बाद हमने जो लिक्विड था हमारा उसको बीकर में डाल दिया। अब बीकर में हमने जब लिक्विड डाला है तो उसमें हम लोग जो वाटर है उसको इवेपोरेट करवाएंगे, इवेपोरेट लिक्विड, उसमें से जो हमारा लिक्विड मीन्स क्या वाटर,
जो वाटर है उसको हम लोग इवेपोरेट करवा देंगे एंड देन मिक्स फिल्ट्रेट एंड उसके बाद हम लोग इसको क्या फिल्टर करेंगे, इवेपोरेट होने के बाद हम लोग क्या इसको फिल्टर करेंगे। जब हम लोगों ने फिल्टर किया है, फिल्टर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें इसको होट करेंगे एंड इवेपोरेट 400 ml एंड ड्राई। हम लोग फिर इसको क्या है जो फिल्ट्रेट है हमारा उसको होट करेंगे हम लोग और उसमें से फिर हम लोग इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करेंगे हम लोग 400 ml तक हम लोग इवेपोरेट करेंगे देन उसको हम लोग फिर क्या करेंगे ड्राई। इसमें टेस्ट में हमने क्या किया, पहले हमने बॉईल किया 5 ग्राम विद 500 ml ऑफ वाटर फॉर 30 मिनट्स एंड कंटिन्यू स्टीम। इवेपोरेट वाटर लिक्विड इन अ बीकर एंड इसमें जो हमारा मटेरियल है मटेरियल जो हमने मटेरियल उसको भी स्क्रीन्स कर लिया निचोड़ लिया उसमें निचोड़ दिया वाटर में स्क्रीन्स द मटेरियल फ्रॉम द लिक्विड उसमें हमने लिक्विड में से वाटर को बिल्कुल निचोड़ लिया है एंड देन उसमें जो हमारा फिल्ट्रेट आएगा और हमारा जो हमने स्क्रीन्स किया हुआ हमारा लिक्विड है उसको हमने ऐड कर दिया और वो ऐड करके हम लोग क्या करेंगे उन दोनों को यहाँ पे हॉट करेंगे। हॉट करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे 400 ml तक हम लोग उसमें से जो लिक्विड है वो इवेपोरेट करवा देंगे और उसके बाद जो हमारे पास रेसिड्यू बच जाएगा वो क्या होगा वो ड्राई रेसिड्यू होगा जो जिससे हमें हमारे वाटर की कितना वाटर सोल्युबल है वो हमें पता चल जाएगा कि वाटर में हमारा जो सब्सटेंस है वो कितना सोल्युबल है। नेक्स्ट है हमारा सल्फेटेड ऐश। इसको हमने हीट कर दिया, जब हीट कर दिया तो इसमें कलर क्या रहना चाहिए टू रेडनेस फॉर 10 मिनट। जब सब्सटेंस हमने पुट कर दिया तो उसको हम लोग फिर से अगेन कूल करेंगे। कूल करने के बाद उसको हम लोग जो है जो हम लोग कूल करेंगे कूल करने के बाद उसमें हम लोग जो हमारा 1 ml H2SO4 है वो ऐड कर देंगे।
जब H2SO4 ऐड करेंगे तो हमारे पास वाइट फ्यूम्स ऑब्टेंड होंगे। वाइट फ्यूम्स ऑब्टेंड होंगे देन हम लोग इसको क्या करेंगे, इंजिनेट। और उसके बाद जब हम लोग इसको इंजिनेट करेंगे तो हमारे जो ब्लैक प्रेसिपिटेट्स है इसमें अपेयर हो रहे थे वो डिसअपेयर हो जाएंगे। देन हमारे जो ब्लैक प्रेसिपिटेट्स है जो सॉरी ब्लैक पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर। इसमें क्या किया हमने, पहले हमने हीट सिलिका और प्लेटिनम क्रूसिबल है उसको हीट किया 10 मिनट। उसको हीट तब तक किया जब तक वो रेड कलर में कन्वर्ट नहीं हो जाते। उसके बाद हमने इसमें दो जो है कूल कर दिया इसको। कूल करने के बाद हमने इनका वेट किया। जब वेट कर दिया तो उसके बाद हमने इसमें क्या किया, पुट किया 1 से 2 ग्राम हमने सब्सटेंस अपना। जब सब्सटेंस को हमने इसमें पुट कर दिया, ऐड कर दिया, देन हम लोग उसको फिर से दोबारा क्या करेंगे, कूल। कूल करने के बाद उसमें हमने 1 ml H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है जो वो ऐड किया है। उसके बाद हमारे पास जो है वाइट फ्यूम्स है वो ऑब्टेन होंगे। देन हमने इंजिनेट किया और उसके बाद हमारे पास जो पार्टी ब्लैक पार्टिकल्स है वो क्या है, डिसअपेयर हो जाएंगे, जिससे हमें ऑब्जॉर्बेंट कूल का पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है ऑब्जॉर्बेंसी। इसके लिए हमें जो ऑब्जॉर्बेंसी चेक करने के लिए हमारे पास जो है मेथड है वो है दो टाइप के हम लोग इसमें यूज करते हैं। एक तो है परफॉर्म द शिंकिंग टेस्ट एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सेकेंड है हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। फर्स्ट है हमारा जो शिंकिंग टेस्ट है। शिंकिंग टेस्ट में क्या है, शिंकिंग टाइम नॉट मोर देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज्यादा हम लोग इसका टाइम नहीं यूज कर सकते। ऐसे हमारा जो सेकेंड है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 23 ग्राम से कम जो है मटेरियल वो यूज नहीं करेंगे। नोट लेस देन 23 ग्राम ऑफ H2O पर ग्राम ऑफ सैंपल। अगर हम लोग वाटर में जो है 23 ग्राम के अकॉर्डिंग ही अपना जो है वाटर उसका यूज करेंगे, उससे कम हम लोग जो सैंपल उसको यूज नहीं कर सकते। लास्ट हमारा जो 10th टेस्ट है, 10th टेस्ट में हमारा आ जाता है कलरिंग मैटर। एक्सट्रैक्ट लेते हैं, हमने एक्सट्रैक्ट लिया 10 ग्राम। 10 ग्राम हमने एक्सट्रैक्ट ले लिया एक नैरो परकोलेटर में। हमारा जो नैरो परकोलेटर है उसमें हमने 10 ग्राम क्या एक्सट्रैक्ट ले लिया। जैसे हमने उसमें क्या डाल दिया, जो हमारा अल्कोहल है 50 ml हमने अल्कोहल ऐड कर दिया।
जब हम लोगों ने 50 ml उसमें अल्कोहल ऐड किया तो हमारा जो एक्सट्रैक्ट है, वो हमारा कितना हो जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड, हमें जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड होगा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड इनटू कलरलेस हम लोग उसमें अल्कोहल ऐड कर देंगे जब, तो हमारा जो एक्सट्रैक्ट होगा एक्सट्रैक्ट इन ऑब्टेंड लिक्विड इन कलरलेस ग्लास सिलेंडर, जो हमारा एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड होगा उसको हम लोग कलरलेस ग्लास जो है उसमें सिलेंडर में डाल लेंगे। देन हम लोग उसमें डालने के बाद उसको एग्जामिन करेंगे कि हमारा जो 20 cm की जो लेयर है वो अगेन हम उसमें से जो 20 cm की जो लेयर बनेगी उसको वाइट बैकग्राउंड, जहाँ पर वाइट बैकग्राउंड होगा उसके आगे एग्जामिन करेंगे, उसमें चेक करेंगे कि उसमें जो येलो कलर के जो टिंग्स हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। पहले हमने क्या लिया, 10 g एक्सट्रैक्ट ले लिया नैरो परकुलेट में, फिर हमने उसमें 50 ml के अल्कोहल ऐड कर दिया। जब हमने 50 ml अल्कोहल ऐड कर दिया तो हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो ऑब्टेंड होगा लिक्विड फॉर्म में। अब उस लिक्विड को हमने किस में ऐड कर दिया, कलरलेस ग्लास सिलेंडर में, एंड देन उसमें जो 20 cm की लेयर बनेगी जिसको हम लोग एग्जामिन करेंगे, हमने एक जैसे ये वाइट बैकग्राउंड है इसके आगे हमने हमारा लिक्विड है जो लेयर है उसको इसके आगे रख के उसमें से ऐसे चेक करना है कि उसमें जो वाइट कलर के टिंजेंट्स हैं, वाइट कलर जो सॉरी येलो कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं है, इससे हमारा जो कलर मैटर है वो वैल्यूएशन टेस्ट है वो परफॉर्म होगा। ये थे हमारे वैल्यूएशन टेस्ट फॉर अब्सॉर्बेंट वूल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी सर्जिकल सप्लाइज। ये हमारे जो थे सर्जिकल ड्रेसिंग थी कि हमने क्या क्या सर्जिकल ड्रेसिंग कौन कौन सी यूज करते हैं, उनका क्या क्या यूज है। नेक्स्ट है हमारा इसमें सर्जिकल सप्लाइज। सर्जिकल सप्लाई में हमारे पास फर्स्ट आ जाता है कैथेटर्स, सुना होगा जो कैथेटर्स हैं वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, जो जब किसी पेशेंट्स हैं जो उसको नेचुरली प्रोसेस से जो यूरिन है वो नहीं, उसकी आउटपुट नहीं हो रही, यूरिन नहीं आ रहा प्रोसेस पेशेंट को, तो उसके लिए हम लोग उसकी बॉडी में कैथेटर्स इंसर्ट कर देते हैं जिससे उसको जो यूरिन का फ्लो है वो कंटिन्यू हो जाता है, जो यूरिन है वो कलेक्ट उसमें हो जाता है। जो पर्सन जो प्रॉपरली वो जो पर्सन प्रॉपरली नेचुरल जो प्रोसेस से यूरिन यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो नहीं कर सकते, यूरिन नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम लोग कैथेटर्स यूज करते हैं। हमारे पास जो है कैथेटर्स हैं फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैथेटर्स हैं, फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल टाइप। अब जो फ्लेक्सिबल टाइप है हमारी वो उसमें क्या होता है, वो सॉफ्ट रबड़ के कैथेटर्स बनते हैं, जो मेड होते हैं प्रिपेयर होते हैं वो सॉफ्ट रबड़ से जो कैथेटर्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं, एंड ऑफ स्मॉल रबड़ ट्यूब विद अ क्लोज्ड सॉलिड टिप। इसमें एक ये रबड़ की सॉफ्ट ट्यूब होती है जिसमें एक सॉलिड टिप होगी और इसके वन साइड एक फनल शेप का, हमारे फनल के टाइप का शेप बनी होगी। हम लोग एक साइड जो है जो टिप की ट्यूब की है वो पेशेंट की यूरिथ्रा में इंसर्ट कर देते हैं और जो कीप टाइप है उसमें हम जो यूरिन है वो कलेक्ट होता रहेगा। सेकंड हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट कैथेटर्स। और जो स्ट्रेट कैथेटर्स है, स्ट्रेट कैथेटर में हमारे पास क्या है कि ये प्रॉपरली हम लोग जिन पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम है लॉन्ग पीरियड के लिए जिनको कैथेटर्स की ज़रूरत होती है उसमें हम लोग स्ट्रेट जो कैथेटर्स हैं वो अप्लाई करते हैं, उनके बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिटेंशन कैथेटर्स। रिटेंशन कैथेटर्स को हम लोग आंसू बोल देते हैं, बैलून कैथेटर्स। इनके हम लोग जो यूज़ है वो यूरिन को कलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
अब मेरे पास जो कैथेटर्स हैं जो हमारे कैथेटर्स हैं वो इस शेप के होंगे। ये हमारे पास आ जाते हैं जैसे रबड़ कैथेटर्स। अब जो कैथेटर्स हैं ये एक डेंजरस प्रोसेस है जब हम लोग पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं। इनके लिए सिर्फ एक ट्रेन फिजिशियन और नर्सेज की नीड होती है जो इनको इजिली बॉडी में इंसर्ट कर सके। अदरवाइज जो हमारे नहीं तो जो इसकी कैथेटर के कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। इसलिए जब भी जो कैथेटर्स हैं वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फिजिशियन से और जो ट्रेंड नर्सिस हैं वो इनको हैंडल कर सकते हैं। अब उससे अगर जो कोई पर्सन ट्रेंड नहीं होगा वो यूरिथ्रा में अगर कैथेटर्स अप्लाई करेगा इंसर्ट करेगा तो उससे हमारा जो यूरिथ्रा उसको डैमेज हो सकता है क्योंकि वो अब ये नहीं पता वो एग्जैक्ट जो पोजीशन है वहाँ पर इंसर्ट कर पाएंगे या नहीं। अगर कहीं और रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएगी ये ट्यूब तो उससे हमारे जो है यूरिथ्रा को डैमेज हो सकता है और पेशेंट है उसकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट हो सकती है। अब ये हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया यहीं पर कैथेटर्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग सेट्स आईवी सेट्स वो डिस्कस करेंगे, सिरिंजेस को डिस्कस करेंगे एंड रॉयल ट्यूब्स इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।